नमस्कार दोस्तों, तो मोटरोला G85 बहुत ही जल्द लॉन्च होने वाला है, क्योंकि पहले मैंने आपको बोला था कि जस्ट यूरोप के सर्टिफिकेशन साइट में आ चुका है, लेकिन अभी कहा जा रहा है कि दुनिया के अलग अलग सर्टिफिकेशन साइट में आ चुका है। क्या डिजाइन होगा, क्या स्पेसिफिकेशन होगा, ऑलमोस्ट सब कुछ लीक्स हो चुका है। तो इसलिए इस वीडियो में हम इस मोटरोला G85 के बारे में सब कुछ डिस्कस करेंगे, और ये भी हम देखेंगे जिस प्राइस पॉइंट में आने वाला तो क्या इस साल सबसे बेस्ट ऑलराउंड स्मार्टफोन होगा कि नहीं, इस वीडियो में इस चीज के बारे में बात करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो बिना कोई वक्त का। आज का वीडियो शुरू करने से पहले, अगर आप गैजेट चैनल पर नए हैं और ऐसे टेक रिलेटेड वीडियो डेली देखना चाहते हैं तो गैजेट चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। तो पहले तो हम बात करेंगे स्मार्टफोन की डिजाइन के बारे में। तो जैसे कि देख सकते हैं, यही एक्चुअली जो आपका भी मोटरोला G85 इसके पीछे का डिजाइन, मतलब देख के आपको समझ में आ गया होगा, इस बार आपको मोटरोला G85 में कार्ब फॉर्म फैक्टर देखने को मिलेगा, और इसका एक कलर डेफिनेटली होगा पर्पल। इसका थिकनेस है 7.6 मिलीमीटर और वेट है 166 ग्राम। इसके पीछे का जो मटेरियल डेफिनेटली आपको मिलेगा लेदर का बैक कवर। डिस्प्ले में आपको मिलेगा 6.5 इंच फुल एचडी प्लस 120Hz 10 बिट कार्ब ओलेड डिस्प्ले, जिसके साथ 240Hz का टच सैम्पलिंग रेट, 1300 nits का ब्राइटनेस, 20:9 एस्पेक्ट रेशियो, 93% स्क्रीन टू बॉडी रेशियो। डिस्प्ले का जो सर्टिफिकेशन उस वक्त मिलेगा HDR10+ का सर्टिफिकेशन, और साथ में पांडा ग्लास का डिस्प्ले प्रोटेक्शन। मतलब ये चीज कह सकते जिस प्राइस पॉइंट में आने वाला है उसी चीज का जो डिस्प्ले काफी बढ़िया होने वाला है। प्रोसेसर में आपको मिलेगा स्नैपड्रैगन 4th Gen 3 प्रोसेसर, जो कि अभी तक लॉन्च नहीं हुआ है, मतलब इसी फोन के साथ सबसे पहले हमें देखने को मिलेगा। कैमरे में आपको मिलेगा 50 और 8 मेगापिक्सल का डुअल रियर कैमरा, साथ में 16 मेगापिक्सल का सेल्फी। इसका जो रियर कैमरा, इसके साथ आपको OIS EIS दोनों का ऑप्शन हमें मिलेगा। ये जो फोन हमें टोटल दो वेरिएंट में मिलेगा, 8 128GB और साथ में 12 256GB। रैम का क्वालिटी है LPDDR4X। मेमोरी पे आपको मिलेगा UFS 2.2, जिसके साथ हाइब्रिड कास्टलॉट का ऑप्शन। बैटरी में आपको मिलेगा 5000mAh बैटरी, साथ में 30 वाट का चार्जिंग, और कनेक्टिविटी USB Type-C। तो अगर मैं इसके कुछ बाकी फीचर के बारे में बात करूं तो आपको इसे मिलेगा Android 14 आउट ऑफ द बॉक्स, कोई भी 3.5mm जैक नहीं, डुअल स्पीकर, अंडर डिस्प्ले फिंगरप्रिंट सेंसर, और IP68 का वाटर एंड डस्ट प्रोटेक्शन। और अगर हम इसके OS अपडेट साइकिल के बारे में बात करें, मोस्ट प्रोबेबली रिसेंट टाइम में मोटोरोला के बाकी फोन के जैसा 2 साल का मेजर OS अपडेट और 3 साल का सिक्योरिटी अपडेट हमें देखने को मिलेगा। तो अब तो सबसे मेन चीज किस प्राइस में लॉन्च होने वाला, तो देखिए जैसे मैंने आपको पहले ही कहा था, ये जो स्मार्टफोन एग्जैक्टली लास्ट ईयर जो लॉन्च हुआ था मोटरोला G84 उसी प्राइस पॉइंट में लॉन्च होगा। तो मतलब हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं इसका जो 8 128GB वो इंडिया में लॉन्च होगा 16,000 के आसपास, और इसका जो हायर वेरिएंट वो इंडिया में शायद लॉन्च होगा 17,000 से 18,000 रुपए के आसपास। तो अभी हार्ड वेयर से देखिए क्या ये जो स्मार्टफोन इस प्राइस पॉइंट में सबसे बेस्ट ऑलराउंड स्मार्टफोन है, या फिर इससे बेटर दूसरों की चॉइस अवेलेबल है। तो देखिए अगर हम अभी 16,000 के आसपास देखेंगे तो अभी के लिए मेरे ख्याल से नंबर वन ऑलराउंड स्मार्टफोन है Realme P1 5G, जिसका मैंने खुद रिव्यू किया था कुछ हफ्ते पहले। तो अगर हम उस Realme P1 के साथ कंपेयर करते, पहली बात तो डिस्प्ले, इस मामले में नो डाउट मोटो होगा बेटर, क्योंकि जो भी हो कर्व डिस्प्ले हमें देखने को मिलेगा। प्रोसेसर, इधर मेरे ख्याल से मोटो होगा बेटर, क्योंकि इसमें हमें मिलेगा स्नैपड्रैगन 4th Gen 3। अभी इसका क्या स्पेसिफिकेशन होगा या फिर क्या आर्किटेक्चर होगा कोई कॉन्फर्म इन्फॉर्मेशन नहीं मिला है, लेकिन मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ शायद इसका अंटूटू स्कोर होगा मेरे ख्याल से 5 लाख के आसपास, या फिर पिछले बार के जैसा आर्किटेक्चर या फिर CPU कोर में भी थोड़ा सा इंप्रूवमेंट हो सकता है। तो इसलिए इसी वजह से मेरे ख्याल से मोटोरोला का जो प्रोसेसर शायद थोड़ा सा बेटर होगा Realme P1 के Dimensity 7050 के मुकाबले। कैमरे के मामले में मोटो बेटर, क्योंकि देखिए 50 और 8 का रियर कैमरा, 16 का सेल्फी, अगर इसका जो कैमरा ऑप्टिमाइजेशन इसके पिछले साल जैसा होता तो मैं बोलता कि एवरेज, लेकिन इस साल मोटोरोला के हर एक फोन में कैमरा ऑप्टिमाइजेशन बहुत ही बढ़िया है। फॉर एग्जांपल अभी जो मैं रिव्यू कर रहा मोटोरोला H50 Fusion, बहुत ही बढ़िया कैमरा, फिर जो लॉन्च हुआ है मोटोरोला H50 Pro, बहुत ही बढ़िया क्वालिटी का कैमरा। तो इसलिए मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ शायद इस बार जो G85 कैमरा इसमें बहुत ही बढ़िया होगा। उसके बाद वेरिएंट के मामले में दोनों फोन ऑलमोस्ट सेम, बैटरी और चार्जर रियलमी बेटर, स्पीकर के मामले में दोनों सेम, OS अपडेट दोनों एग्जैक्टली सेम। तो मतलब देखिए वीडियो का अगर मैं सबको ये चीज कहना चाहूंगा, ये जो मोटोरोला की तरफ से नया फोन जो लॉन्च होने वाला है मेरे ख्याल से 16-17 हज़ार के आसपास का एक बहुत ही बढ़िया ऑलराउंड स्मार्टफोन हो सकता है, जो लोग डिजाइन के लिए कार्ड डिस्प्ले लेना चाहती है या फिर कैमरे के लिए स्मार्टफोन लेना चाहते हैं उन लोगों के लिए। तो अभी आप मुझे कुछ जरूर बताना कि जो मोटोरोला G85 वही 16-17 हज़ार के आसपास लॉन्च होने वाला है, तो क्या इस प्राइस पॉइंट में इसे लेना चाहेंगे या फिर दूसरा कोई डिवाइस आप चूज करना चाहेंगे, इसके बारे में मुझे जो क्वेश्चन करना बिल्कुल मत भूलिएगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो पे, तब तक स्टे ट्यून्ड एंड ऑलवेज रिमेंबर, थिंक पॉजिटिव बी पॉजिटिव। थैंक यू।